ऐसे खा रहा है। ओ निकाल, काटा निकाल, काटा निकाल। मन तो ऐसा कर रहा है जाके तैर लू। गावरान तरीके से होता है, मतलब ये जो सब मसाले गावरान मसाले। हेलो गाइस, तो कैसे हो यार? पहले बताओ कैसे हो। तो गाइस हम आएंगे रोज आएंगे। तो गाइस बहुत लोग का सवाल आ रहा है, कमेंट आ रहा है। तो दे मेरे को भी। पहला से आ रहे मुझे देख के, क्या भाई क्या करके रख दिया यार। ऐसी कोई पनिशमेंट होती है क्या गाइस? अगर आपने वो पनिशमेंट वाला वीडियो नहीं देखा रहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखना। और गाइस क्या मतलब, बहुत लोग मुझे डीएम भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आप ज्यादा वीडियो पे नहीं दिख रहे। क्यों, क्या होता है गाइस, ऑफिस है हमारा, ऑफिस में संभालता हूँ और यूट्यूब का ये सारा काम मैं करता हूँ, संभालता हूँ एडिटिंग वगैरह सब। स्टार्टिंग से इसने यूट्यूब पे ध्यान दिया था और मैंने ऑफिस में ध्यान दिया था, दोनों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे तो आपके लिए पकड़ लिया। ऐसा भी नहीं कि हमने बंद करके रखा है, आपके लिए कर रहे, जो होगा हो करेंगे और करते रहेंगे। एक दो वीडियो में है नहीं होगा, गाँव गया होगा तो मैं नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन आप होंगे ना, आपके लिए तो होगा ना, आपके लिए तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं। हाँ, इसका भी चैनल है, मतलब हम दोनों का चैनल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो गाइस चलो चलते हैं, हमें आज कैसा चैनल है उधर दिखाते हैं, उधर दिखाते ऐसे क्या बताना। चल चल, तो गाइस अभी बैठ रहे हैं गड्ढे पे। हाँ बैठ गए और गिरो गाइस इधर किक मार दी। तो चलो, और भैया छेटी इधर आ गए, भैया भी है आ गए और अपन जा रहे हैं। ओ भाई वो दम से धीरे से, थोड़ा धीरे से जा रहे थे भाई, क्या कर रहा है। तो गाइस रास्ता सिनेमैटिक एंजॉय करो, रास्ते से जा रहे हैं। तो चलो, ये देखो बच्चे इधर खेल रहे हैं, सपोर्ट है गाइस। पंडरपुर में हमारे बहुत लोग प्यार करते हैं, उनका बहुत सपोर्ट है। तो अभी चलो डायरेक्टर नहीं मिलते हैं उधर। अपना मार्केट आ चुकेला है, भैया शेट उधर खड़े जाके सबसे पहले, तो उधर से लेते हैं अपन। तो चलो तो गाइस ले लिया है अपन ने, तो अभी बैठते हैं गड्डी पे। चलो भाई बहुत गर्मी है, अरे भाई कितनी गर्मी है, एक तो इधर पसीना पसीना आ रहा है, टकली पे बोल रहा है, मतलब बाज रहा है टकली पे, काम चालू है। आहा, तो गाइस चलो आप डायरेक्टली मिलते हैं इधर, अपन करने को डालने वाले हैं करनावल के पास, तो उधर मिलते हैं और आपको उसकी रेसिपी भी बताएंगे क्या है। तो चलो, तो गाइस आ गए भैया सेट। भाई जल्दी यार, मतलब कहाँ चले गए थे बीच में, क्या मालूम बीच में गुड़ूप हो गए जादू। तो गाइस मतलब बीच में ही गुड़ूप हो गए, मतलब किधर चले गए मालूम नहीं, जब तक मच्छी काटना चालू था तब तक वो गुड़ूप हो गए, कहाँ चले गए अचानक से मालूम नहीं। तो अभी आ गए, कॉल करके पूछ लिया कहाँ पे, बोले थोड़ा काम था तो अभी इधर आ गए। तो अभी चलते उधर करनावल के पास, उधर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा बनता है। तो चलो, तो गाइस सामने आ गया है ब्रिज, और बीच में हमेशा पानी रहता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रहता, इधर हमेशा ब्रिज में ये पानी रहता ही है। देखो कितना पानी, रस्ते इसके लिए वल्ले हो गए, उसके मतलब विदाउट बारिश के रस्ते वल्ले हो चुके हैं, गीले होते हैं, गीले गीले वही वही वल्ले नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? वल्ले और भैया शेट उधर टर्न ले गए, हमको जाने का है मालूम नहीं रास्ता किधर है। ओ भाई साहब, अगर नजर चुकी तो समझो रास्ता चुक गए, ऐसा हो जाएगा। भैया शेट देखो कितने आगे, ओ भाई साहब जो है ना, वो हमारे बड़े भाई की ऐसे, हर एक
थोड़ा गलत अच्छे की समझ हमको देते हैं, जो गलत है वो बुरा है सब समझाते हैं। ओ भाई 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 रस्ते मतलब क्या पूछो मत भाई, पोल्यूशन भाई कितना सारा पोल्यूशन। अरे तो धूल मिट्टी है क्या चल रही है भाई, ये देखो रास्ता कैसा आ गया। गाइज मेरा हाथ दर्द करने लगा है, मैं अब शूटिंग रखने वाला हूँ, डायरेक्ट उधर जाने के बाद मिलते हैं भाई, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। तो गाइज गाड़ी चेंज कर ली है भाई, इधर है क्या हो रहा है, बड़ा कंफर्टेबल नहीं था इसलिए डिक्की में वो जो लिया था मच्छी वो डिक्की में डाल दिया, तो मैं इधर ही बैठ गया। भाई साहब ये मन तो ऐसा कर रहा है जाके तैर लूँ पानी में, वो डुबकी डाल लूँ, लेकिन नहीं हो सकता। चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं उधर। तो गाइस देखिए हम आ गए, चलो अपन चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा बनता है। जय मल्लार होटल, तो इधर डालना पड़ता है और क्या चव मिलती है बाद में, उधर भी इनका भी ऑलरेडी मिलता है लेकिन अपन बाहर से लाके इधर देने का रोकते, मतलब क्या स्वादिष्ट सस्ता भी मिलता है आपको इधर बहुत और स्वादिष्ट स्वादिष्ट में तो पूछो मत। तो इसका पहले आके गए इधर और सेकंड टाइम, और इसका एड्रेस है ना हम डिस्क्रिप्शन दे, एक बार आके देखिए टेस्ट करने के बाद फिर हमें कब इधर ला। अरे भाई मेरे भाई इधर देखो, ए भाई क्या सब कुछ है भाई, भाई इधर सब कुछ धोके रख दिए, अभी इसको बनाने का है तो ये अंकल बनाने वाले तो बनाएंगे। चलो ये सब कुछ गौरान तरीके से होता है, मतलब ये जो सब मसाले गौरान मसाले, और इधर भी चालू है और इधर भी चालू है, सब इधर है, मच्छी का इधर है और ये चिकन का इधर है, मतलब ये सब अलग अलग रख दिया है इन्होंने, सब कुछ अलग अलग बनता है, एक नंबर। ये सब हो रहा है, इसमें आप पीठ में बुड़ाएंगे और इसमें डालेंगे, पहले खाना हो चुका है और ये दूसरा खाना चालू है, थोड़े थोड़ा इधर 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 चालू है। तो गाइस ये बना के हो गया मच्छी फ्राई, देख लो हाँ गरम है भाई, हो गया बोल रहा है भाई, तो डायरेक्टली बाहर लेते हैं। सब कुछ परोसने के बाद मैंने शूटिंग निकाली, कितना मैं तेज हूँ देखो, मतलब गलती से रह जाता है, परोसा परसी चालू थी। यो और ये हमारा कांदा, यो वो भाई खाली खा रहे हैं। चल ठीक है, चल तो गाइस सब बन के रेडी है, चालू है खाना है, ये तो बहुत सन्नी हो रही कांदा कांदा, ओ भाई कैसे ले रहे, तो आप खा ले पहले मच्छी, अरे भाई काटे उसमें संभाल के भाई ऐसे खा रहा है, ओ निकाल काटा निकाल काटा निकाल, बच गए बच गया, नहीं तो आज टपकने वाला था। तो आज अब मेरा ले ले, चल रुक रुक दिखा ना, ये दिखा अपना, तो भाई मेरा ले लिया। तो गाइस बन के रेडी है और अब लेते हैं भाकरी और ये मच्छी रस्सा गौरान रस्सा और ये कांदा, और हमारे साथ कौन है बताए भैया द बॉस, और इधर देख
ये है मच्छी मसाला। भाई भाई वो रहे मच्छी, तो क्या बोलते हैं इसका नाम, दम फ्राई, दम फ्राई मच्छी, दम फ्राई इसके लेने का। और एक कांदा, एक नंबर भाई, आपको सारा फिनिश। इधर भी दिखा भाई, इधर भी दिखा, रुको जरा सबर करो। सबर आली का लो, तो गाइस खाना वाना हो गया सब कुछ, तो ऐसे मास्क लगाने का निकल गया। तो चलो अपन आप चलते हैं अपने अपने मकान पे। चलो चलो, चलो।